कहते हैं कि प्रेम शब्द का जिक्र जैसे ही जहन में आता है वैसे ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसे ही रांची के शख्स है किशोर की दीवानगी, और ये शख्स कहीं का नहीं है, ये शख्स राजधानी रांची के मेट्रो गली का है, मेट्रो गली में रहने वाला है। और ये एक प्यार में असफल होने के बाद उसका उस लड़की रीमा का नाम 82 लाख से ज़्यादा लिख चुका है, और अभी हम इन्हीं के घर पे मौजूद है। कहते हैं कि प्यार में कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, शायद या तो वो असफल हो जाते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, और या फिर वो सक्सेस कर जाते हैं प्यार की ही वजह से। और वहीं ये असफल हुए उसके बाद भी इन्होंने दम नहीं तोड़ा, सांस नहीं तोड़ा। ये रीमा का नाम अभी तक 82 लाख से ज़्यादा लिख चुके हैं। वहीं आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इतना ज़्यादा रीमा का नाम अभी तक क्यों लिख रहे हैं, कब से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई, या एक तरफा प्यार है, ये क्या है, आइए इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से आपका प्यार शुरू हुआ? सबसे पहले नाकाम इश्क में जो मोहब्बत करते हैं, और ये ईश्वर की सबसे बड़ी देन होती है। ये वो समय होता है आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसके लिए योगी तप करते हैं वर्षों तक। आप थोड़े ही समय में तो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है जब आपको किसी से प्यार होता है, लेकिन वहाँ फुल स्टॉप लगाइए कि वो आपकी अमानत नहीं है, वो किसी के सपनों का संसार है, किसी माँ बाप ने उसे बड़े नाजों से पाला है, आप उसे पसंद करते हैं। अगर वो आपको ना बोले, उसकी मजबूरी है या उसका कोई मकसद है, तो इस पर जो है आपको खुश होना चाहिए। बड़ी घृणा होती है मुझे ये जो हो रहा है, मैं जो ये कर रहा हूँ, ये शायद मैं तो अनुभव करता हूँ, लेकिन इसका मतलब जो भी लोग निकाले, मेरा एक ही मकसद है कि आप जो है नाकाम इश्क में जियो और जीने दो। और ये जो हत्या, आत्महत्या, सबसे घृणा वाला काम होता है एसिड अटैक। अब बताइए कि पहले के जो गीतकार होते थे तो वो संगीत कैसे पिरोते थे, जब किसी खूबसूरत चेहरे की कल्पना करते थे, बिल्कुल ऐसे एकदम सादगी पर जो है गीत लिखे जाते थे। वो गीत आज भी हर युवा पीढ़ी गुनगुनाती है। आज स्टेज में प्रोग्राम होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो है उस गीत को गुनगुनाते हैं। तो अगर खूबसूरत चेहरा, जिसे आप इस हद तक पसंद करते हैं कि वो मेरा हो जाए, तो मेरा तभी हो सकता है जब वो चाहे। और मेरे साथ जो हुआ है, ये तो पहले मैं भी बहुत ही विचलित हुआ था कि इतनी शिद्दत से, जिसे उसको मालूम है, दुनिया को मालूम हो चाहे न मालूम हो, लेकिन उसको मालूम है कि मेरी मोहब्बत जो है बहुत ही, मैंने कि उसको एहसास था कि हाँ, अगर हजारों आशिक हैं तो एक मेरा ये आशिक भी है। लेकिन उसके अंदर मैंने कभी भय पैदा नहीं किया, कभी उसे मैंने कि नज़र उठा के नहीं देखा, सिर्फ उसकी परछाई को देखा, एक झलक देखा। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि ये मैसेज देने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। और ये बताइए कि जैसे आप काम करते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में, 100 करोड़ में बुज़ुर्ग जो होंगे 50 करोड़ होंगे, 50 करोड़ में रोज़ 25 करोड़ लोग ड्यूटी जाते होंगे। लेकिन आप समझिए कि ड्यूटी प्राइवेट में कोई भी ऐसे आपको जो है पैसा नहीं देता है, शरीर का जो आपका जो है पूरा एनर्जी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर घर आने के बाद ये एनर्जी आती है कि मैं इस पे 2-3 घंटे बैठता हूँ और मैं जो संकल्प लिया है उसको आज की तारीख में 82,04,011 पहुँच गया हूँ, तो ये ईश्वर की कृपा है। ये इन हाथों को मैं बोलता हूँ, इन आँखों को बोलता हूँ, इस शरीर से प्रार्थना करता हूँ। और 17 लाख संकल्प 1 करोड़ का है, 1 करोड़ पूरा हो जाए। और जो युवा पीढ़ी है,
युवा पीढ़ी कम से कम मेरे रहते नहीं, मेरे जाने के बाद भी जो है कम से कम इस चीज़ को एहसास करेगी। क्या ये एक तरफा प्यार है? बिल्कुल एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार ना होता तो ये कोई स्टोरी ही नहीं बनती। और ईश्वर ने मुझे ये कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र किया है कि एक तरफा प्यार जो होता है बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव लीजिए ना। आप ये देखिए कि एक तरफा प्यार में लोग क्या करते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? बिल्कुल, शादी हुई तो और स्टोरी में दम आया। शादी नहीं होती तो लोग कहते हैं कि देखो इसको तो कोई काम ही नहीं है, इसको पास कोई काम ही नहीं है, इसीलिए ये बैठ के ऐसे कर रहा है। मैं देखिए संकल्प लिया 1 करोड़ का, उस टाइम मैंने मुझे ज्ञान नहीं था कि जब आप संकल्प लेंगे तो संकल्प सच्चा है तो वो पूरा होगा, और बाधाएं आती हैं। आपके घर में किसी को दिक्कत नहीं होती? आपकी वाइफ को दिक्कत नहीं होती है? बिल्कुल दिक्कत थी शुरू में बिल्कुल दिक्कत थी, और मैंने कि बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी, लेकिन जब मेरा मकसद समझ में आया तो जितने लोग जानते हैं उन्होंने सब ने साथ दिया। और मतलब आपका साथ हर कोई दे रहा है अब? अब सिर्फ मुझे समय का साथ है, आर्थिक साथ है, परिवार का साथ है, समाज का साथ है, देश का साथ है। अब मुझे सिर्फ अपने शरीर से साथ चाहिए, जो थोड़ा ये मैंने कि समय के अनुसार थोड़ा कम हो रहा है। इस चीज़ को लिखते लिखते आप थके नहीं? नहीं, थक हम बिल्कुल गए हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ आपसे होती है जो आप धार में बहते हैं तो वो संसार में बहते हैं, लेकिन जब विपरीत में बहते हैं तो समझिए कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ काम कर रही है। तो मतलब आप मानते हैं कि प्यार अंधा होता है? नहीं, प्यार अंधा नहीं होता है, अंधा वो आदमी की सोच हो जाती है। प्यार तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जीने में जो मज़ा आता है ना वो प्यार में आता है, चाहे आप जिससे प्यार करें। कोई प्यार वाला मकसद होता है तो आपको जो है मैंने कि इतना मज़ा आता है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो प्यार अंधा हो जाता है, वो प्यार में डूब जाती है, और उसके बाद शायद कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं या तो कुछ लोग सक्सेस कर जाते हैं। नहीं, आप अगर चाहेंगे तो मेरा अनुभव है आप बर्बाद भी नहीं होंगे, आप डिप्रेशन पे भी नहीं जाएंगे, आप सुसाइड भी नहीं करेंगे। जब आप किसी को चाहते हैं अगर वो आपको ना मिले तो वहाँ एक बड़ा सा फुल स्टॉप। बोलना आसान है किसी को, लेकिन खुद पे जब बीतती है तो वो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। वहाँ पर आपको छोटा नहीं बड़ा फुल स्टॉप लगाना है, कुछ गैपिंग लानी है। जिसको आप आज देखिए, वही एक समय था कि मैं एक दिन जो होता था ना, कम से कम 1 मिनट के लिए तो उसकी परछाई को देखने के लिए तड़प जाता था, तब सुकून मिलता था। कब शुरू हुआ था आपका प्यार? ये 1989 में हुआ। कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? जहाँ हम काम करते थे उसी के पास में उसका घर था, उसका स्कूल में आना जाना के वक्त में बस ऐसे ही हो गया। हुआ तो हमको भी नहीं पता। मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात कैसे, हमने एहसास करा दिया कि हम आपको हद तक चाहते हैं। क्या लिख रहे हैं अभी आप? हम उसका नाम लिख रहे हैं। दिखा सकते हैं कैमरा में? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये कितना छोटा, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर रीमा लिखा हुआ है, जिसका नाम मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, और ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, काफ़ी छोटे अक्षरों में, और ये अभी तक 82 लाख लिखा जा चुका है और 1 करोड़ का टारगेट है। आइए हम इनसे आगे बात करेंगे कि ये अभी कब तक इसे कंप्लीट करेंगे और क्या क्या चीज़ें जो हमें दिखा सकते हैं यहाँ पर। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 17 महीने में और पूरा हो जाए, और अगर हम धीरे धीरे भी करते हैं तो कम से कम 34 दिन। अगर हम लगभग 1200 पेज बाकी हैं, और 1200 पेज यानी 600 दिन, अगर एक पेज डेली करते हैं तो 1200 दिन। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन भी छूटे ना। और क्या चीज़ आप लिखे हैं? पुराना कुछ है, नया कुछ है, क्या क्या दिखा सकते हैं? तो इसी का जो है मैंने आपका शुरू में पोस्ट कार्ड में लिखते थे, फिर पोस्ट कार्ड मिलने में दिक्कत हुई तो चार्ट पेपर में लिखने लगे,
तो चार्ट पेपर को सरिया के रखने में दिक्कत थी, तो फिर हम कपड़े पर लिखे। कपड़े पर 690 फीट है, पोस्ट कार्ड और चार्ट पेपर 1810, और ये कॉपी पर शुरू किए तो ये हो गया आज 2872। जब आपको प्यार इनसे था तो आपने शादी इनसे क्यों की? नहीं, प्यार था लेकिन जोड़ी हमारी उसके साथ नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि वो जो थी किसी राजकुमार के लिए बनी थी, और हम मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़े लिखे हैं और जैसे तैसे घूमते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। आज उनकी जो शादी हुई है बहुत बड़े घर में हुई है, और खुद वो एक बहुत बड़े स्कूल की टीचर भी हैं। तो आप बताइए कि हम अपनी खुशी के लिए उनका जीवन कैसे बर्बाद। हालांकि चाहता तो सब कोई है, मैं भी चाहता था, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को समझा तो आज देखिए वो खुश है। आज मेरे साथ होती, हो सकता खुश ना होती, तो फिर प्यार रहता कहाँ? जो आज जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग वादा करते हैं, देखिए हमने दो वादे किए हैं, जिनसे शादी की है उनका भी वादा निभा रहे हैं, उनके लिए परिवार में काम करते हैं। अभी अगर कोई काम बोलेंगे तो हम इनको छोड़ के पहले उनका काम करेंगे, ना कि वो बोलेंगे और हम बैठ के लिखते रहेंगे, ये मकसद नहीं है। और ये जो हमारे पास समय है उस पे उपयोग करते हैं। बैठ के लोग मोबाइल गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, या इधर उधर जाते हैं, पार्कों में घूमते हैं, संडे को आराम करते हैं। हम बस ये अपना संकल्प पूरा करने में लगे हुए हैं। 1998 के बाद मैंने उसका चेहरा देखा नहीं है, जबकि एक दिन मैं अगर नहीं देखता था तो करीब 10-12 साल ऐसे चला। तो आज जो है हम एकदम निश्चित हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि इन्होंने कितना ज़्यादा लिख चुका है, कितने लाखों पार हो चुके हैं, अब आइए इनका और भी कुछ कुछ चीज़ है जो हम इन्हें कहेंगे कि ये हमें दिखाए, और क्या चीज़ इन्होंने लिखा है, क्या इनका नया नया चीज़ है। आप देख सकते हैं ये कितना आकर्षक है, ये कितना ज़्यादा छोटे छोटे पेपरों में कट कर लिखा हुआ है। एक ही नाम है सिर्फ रीमा, और ये 80 लाख से पार हो चुका है। तो जैसा कि आपने एक तरफा प्यार की कहानी को सुना, कितनी अच्छी कहानी थी, कितनी आकर्षित कहानी थी कि किसी से प्यार करना गलत नहीं है, पर किसी से एक लंबे समय तक, एक ज़िंदगी, एक जान तक प्यार रहना काफ़ी अच्छा है। और ये आगे की पीढ़ी के लिए संदेश है कि प्यार करो, डिप्रेशन में मत जाओ, सुसाइड मत करो, अल्कोहल एडिक्टेड मत हो, ड्रग्स एडिक्टेड मत हो, प्यार करो। अगर प्यार धोखा दे देती है तो आगे खुश रहो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करना गलत नहीं है, या फिर किसी से भी प्यार करना गलत नहीं है। और आपने देखा कि कितना ज़्यादा, मतलब ये क्या प्यार कहते क्या है, प्यार एक शब्द ही है कि जो जब आ जाता है मन में तो धड़कनें तेज हो जाती है, धड़कनें चलने लगती है। शायद प्यार से इंसान सक्सेस करता है या तो फिर डूब जाता है, काफ़ी ऐसी चीज़ है। और आपने देखा कि ये जो हमने किशोर कुमार गाबा से जब बात किया तो उनकी कितनी ज़्यादा कहानी है, काफ़ी लंबे समय से चलते आ रही है, और ये सिर्फ एक तरफा प्यार था। ये जो किशोर कुमार गाबा है ये अनेक रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, सिर्फ एक रिकॉर्ड से काम नहीं चलता है इनका, ये काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाते हैं, काफ़ी स्टोरीज बनाते रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। और अभी तो हमने आपको पार्ट वन दिखाया है, पार्ट टू देखना है तो पार्ट टू के लिए आपको अभी हमारे साथ बने रहना होगा। लेकिन ये आमिर खान से भी मिले हैं, और ये यहाँ से साइकिल लेके गए थे तो आमिर खान ने इनको नई साइकिल दी थी। अगर ये स्टोरी भी देखना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा जीएन भारत के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।